हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। तो गाइस, अभी बचे शाम के 4 और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में। मेरे साथ है मम्मी और दीक्षु, और ऊपर देख रहे हैं आप वहां पे अरुण। क्या बोल रहे आप, क्या खा लो? ये हमने नहीं खाना, खेत को नहीं खाना है ये। तो इससे ही तो हमने घर वाली खाद है, पता। हाँ, वो तो है, मतलब असली वाली खाद है ये। ऐसे आपने ऐसे लगा रखे, इसमें ढेर सारा और सेट हो गया मिट्टी में। ये तो बड़े पहले लगा के रखे। इतने टाइम पहले क्यों लगाए थे ये बताओ? तो वहाँ पे भी लगाना था, यहाँ पे लगा दिया। काम शॉर्ट हो गया, साला से लगाते हैं। क्यों, काम शॉर्ट हो गया? शॉर्ट नहीं हो गया काम? अरे इस बार बर्फ ज्यादा गिरी है इसलिए ज्यादा सेट हो गया। अब डेली आना पड़ेगा दीक्षु खेत को। दोनों हमने ऊपर जितने भी पत्थर थे, हमने ऊपर से मेरे को धमकी दे रहे ऊपर वाले नाट जड़े ना पूरे धुंध जे बाहर आवे। कोई ना कोई ना, सीधे को माल फेंकने वाला ना, माल फेंकने का कोई ना, फेंक लेना। ठीक है, ए तुंदा दुई जना काम माल फेंकड़ा तो इंदा जड़ा काम ना ना आ सूली बारी दी बोरी सो तेड़ सा तणी उन फेंक दे लो। ठीक है ठीक है, कोई बोरी तुस भर दी ने फेंकने इंदा काम। ठीक है, औखला ले काने बैग गचूर भाई उठी पुणा रोटी बनानी कुछ इस तरह से रहे हमारे खेत। ये देख रहे हो आप, ये नीचे से लेकर ऊपर तक ये सारे के सारे, ये वाली बाउंड्री जो है मेरी है। और यहाँ पास में ही देख सकते हैं आप, मेरे जो छोटे वाले चाचा जी है उनका परिवार भी यहाँ पे लगा है, देखो खेत में। और ये जो बाउंड्री है ना, ये जो नीचे से ऊपर तक ये इनका है। और वो सामने दिखाई दे रहा है वो है मेरा घर। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो हमारे बैल भी यहाँ पे घास चर रहे हैं। अभी मैं पहुँचा हूँ चाचा जी के खेत में। यहाँ पे देखो रूही और किंशु। किंशु क्या खा रहे हो आप? घास खा रहे। आप डंगर हो, घास जो खा रहे हो? क्या घास? इसको नहीं खाते, ठीक है, जहर होता है। जहर क्यों नहीं होता है? होता है ये। और यहाँ पे देखो कितने बिजी है चाची जी। और चाचा जी तो हमारे बहुत ही मेहनती है। चाचा क्या है, मुंजा पहले काम करने दे। मेरे और चाचा जी का कंपटीशन है खेतों में, बस अगर कौन पहले काम फिनिश करता है। क्यों पहले कर लूंगा यार? नहीं नहीं चाचा, मैं करूँगा। आप सुबह भी नहीं आए थे खेत को, मैं सुबह भी आया था खेत में। ये देखो चाचा जी यहाँ पे मतलब बर्फ के टाइम के लिए लकड़ियों का जुगाड़ भी कर दिया है। वेस्ट नहीं कर रहे लकड़ियाँ, इनको पूरा गड्ढा बना के एक जगह पे रखेंगे और यहाँ पे दूसरा गड्ढा भी बना रहे हैं। और इनके जो खेत है ना, ये मेरे घर के पास ही है। हमारे मतलब यहाँ से लेकर ये हमारी बाउंड्री है। ये जितने भी भाई है, पाँच भाई है ना, पाँच भाई पाँच तो एक एक ही बाउंड्री है, वहाँ से लेकर ये आगे तक। यहाँ पे यहाँ के छिट्ठा मैं तो हूँ, क्यों नहीं आ सकता? मैं नहीं हूँ, मैं और किंशु है ना, किंशु है ना। आपकी बारी अभी तक नहीं आई, जब आएगी तब आएगी। क्यों कमा तो मैं और किंशु रे, किंशु यहाँ पे कुछ काम चोर लोग यहाँ पे भी है। देखो दो रोकी बैठे यहाँ पे। क्यों रोकी? आप दोनों काम चोर। ये देख, ये काम चोर, ये भाग पड़ा। ये देख रोकी क्या है, मैं आ गया भागने लग पड़ा तू। ये कौन सा मतलब हुआ भाई? है कौन भाई? तेरा नाम रोकी रख दिया। अपनी वाइफ कुछ नहीं बोलते, वो अभी आगे जा। देख मेरी वाइफ कितना काम कर रही है बेचारी। आपकी वाइफ सीधे आती ही बस दो तीन बोर्ड लगे उसका, आपने नहीं 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 मेरी आज तो आप मैंने इतना पूरा खेत तभी तो मैनेज कर देना। ये और रोकी बस आके यहाँ पे बैठे। सुनो इतने ज्यादा पत्थर देना खेतों में, मैंने अकेले सारा इतना कुछ साफ किया। नहीं मम्मी, क्या मम्मी आप प्रूफ, अच्छा ठीक है। नहीं मैंने किया ना काम, ये सारा खेत किसने साफ किया? आप खुद बोलो कैमरा में। ए बस एक बार आ गया मम्मी, विद की सपोर्ट करती भाई।
सुबह का मैं लगा था तभी तो मुझे पता, आप अपनी पत्नी से पूछोगे वो मेरे बारे में। मेरी पत्नी ने बेचारी सुबह भी आई थी मेरे साथ, इसने नहीं किया होगा, बट मम्मी ने सही सही बोल दिया मैंने किया वो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा वो करता हूं। चलो चलो, मेरे और अरुण का काम है ये वाले जितने भी पत्थर है ना ब्रीक ब्रीक, ये सारे इसमें डाल के और वहाँ पे दूर जाके नीचे के नाले में फेंकने हैं ताकि पूरे के पूरे खेत साफ हो जाए। मेरा कैमरा ना ये ऊपर क्या हुआ? मेरा काम ऑन कैमरा दिखाना जब मैं इसको उठा के ना वहाँ गिराऊंगा। आप कोई बात नहीं यार, कल बोलना ना कि आप झूठ बोल रहे हो कैमरा। नहीं नहीं, वो हम ऐसे बड़ी बोल रहे हैं, पर तू आज ही आया था, सिर्फ आज ही आया, अभी अभी शाम के टाइम ही आया, सुबह तो नहीं। टाइम इतना काम कर दिया मैंने, मतलब मैक्सिमम ये तीन फत्तों का एडजस्ट किया अभी। वो तो है, पर अगली बार के लिए ये भी तैयार है, देख ऊपर वाला डंगा भी तैयार है, ये भी आने वाला, देख गिरने वाला है। गाइस जितने ही मतलब ऊपर वाले पत्थर ने सारे गिर के नीचे खेत में पहुंच गए, और अब अगले साल के लिए फिर से टेंशन होगी हमें कि अगले साल फिर से ये वाले पत्थर यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हमें मैल की थोड़ी सी कमी होगी, और भाई को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं नहीं बोलते मैल, बोलते माल है मैल जो भी देखो गुस्सा कर रहे हैं, बोलते मैंने पत्थर उठा दिया, मैं नहीं लेके आने वाला। गद्दी में क्या है, सभी लोग ऐसे हो रहे हैं, मतलब थोड़ा अपनी भाषा में, पर वो भी भाई सही बोल रहे हैं यार, किसी को समझ आता किसी को नहीं आता। चलो किसी को नहीं आता, वो उनको दोबारा दूसरे उसमें बता देना, हम हिंदी में बोल देंगे। हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना किस किस को, किस किस सब चल पड़ता है, थोड़े गद्दी में थोड़ा उसमें, ये हमारा सूखा हुआ गोवा बोलते है ना मेरे को बार बार, गोबर गोवा जो भी है, और ये सूख गया है ना, ये वाली साइड सूखा है, ये भी हमने इसको आके रखा था धूप में, और वो जो पीछे दिख रहा है ये तो अभी गीला है। भाई के लिए ज्यादा डाल देना, ठीक है, तेरे लिए ज्यादा नहीं, ज्यादा दोनों काम चोर हो आप लगे फेंकने, लगे फेंकने, ये तो नजदीक है, फिर मेरे को लग रहा है दूर लेके भी जाते हो आप, है ना। अच्छा अच्छा, वो खेत है अभी बड़ा, उस साइड खेत है, उस साइड तो फेंक दिए ना, किलोमीटर दाम पे होगा, किलोमीटर पे करके यहां पे पहुंचाना पड़ता आपको, बताइए। और यहां पे आप देख सकते हो दो जो किलड़ियां, किलड़ियां बोलते हैं ना हमारी लैंग्वेज, यही बोलते हैं और क्या बोलना ना, किलड़ी बोलते हैं मतलब हमारी लैंग्वेज में। तो ये मेरे लिए है, ये जो ब्लू वाली और जो ग्रीन वाली दिख रही है ये भाई के लिए, ठीक है। और अब जो भाभी की है ना वो देखते हैं कितना भरते हैं, मतलब मेरे नहीं तो भाभी इसमें मटेरियल देखो ना, नहीं आई नो मैं मानता हूँ, ठीक है, लड़की हूँ आप, ये आदि इसको बोलते हैं, नहीं भाई इसको आदि बोलते हैं, देखो लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं ये हमारी है भैया, ये भाभी, चल लो अपना, नहीं वो तो फिर वो नीचे नहीं, ऊपर ऊपर जो है ना मटेरियल वो सूखा लग रहा है ना, इसके नीचे ज्यादा हार डालूंगा, वो गीला है नीचे, बेइज्जती कर रहे हो ऑन कैमरा भाई, ऑन कैमरा बेइज्जती अपनी वाइफ की कर लो, अपनी वाइफ की कर लो, मेरी मत करो भाई, आप एक महान, बाकी सारे नहीं यार, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं यार, मैं पता नहीं मेरी आँख ना 8 बजे खुलती है, मैं जरूर नहीं बोलूंगा, बट भाई 7 बजे खेत में लगे होते हैं तो फिर मतलब काफी इतना हार्ड वर्क देख के मेरे को मतलब अपने भाई के लिए अप्रिशिएशन करने का मन करता है, और उसका एक गुना काम नहीं करती भाभी, आप भी घूमती रहते हो, ये देख सकते हो फर्स्ट पे मैं ही पहुंचा यहाँ पे, और जो सबसे ज्यादा बातें करती है ना, मतलब जिन्होंने सबसे ज्यादा बातें की थी वो सबसे लास्ट, भाभी नहीं पहुंचा कौन फर्स्ट पहले वो बोलो, नहीं झूठे झूठे कौन पहुंचा था, ना ना मैं परमात्मा, भाभी परमात्मा की कसम खाता पहले मैं पहुंचा हूँ, ठीक है, उसके बाद सेकंड पे भाई, और थर्ड पे आप बिल्कुल एंड पे पहुंचे हो, वो भी मैं बता नहीं सकता, लड़की की बात नहीं होती आपको फिर भी कितनी ना कोई ना लड़कियां क्या नहीं कर सकती ना भाई, नहीं यार भाभी कटवा दिया आपने ना, कुछ भी बोलो नहीं स्ट्रॉन्ग किस यार, भारी कहाँ भाई हमारी भी देखो, हमारी भाई बोली झूठे देख ले भाई अपने पति
मम्मी पति पत्नी मिलके मेरे को मतलब झूठा फहरा रहे हैं भाई सरासर ना पटी तो। हाँ चलो ठीक है भाभी सेटिस्फाई हो अब मम्मी के साथ वही ना सास चलो सास ने फेवर कर दिया फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। तो अभी हम लोग खेत से वापस पहुंच चुके घर और अभी यहाँ पर चाय मम्मी ने तो आज पूरे खेतों में गोवा मतलब ऐसे डाला ना तो मम्मी और मैंने गर्म पानी से धोने क्या किए मम्मी मेहंदी लगा ली बहुत खतरनाक वाली मेहंदी लगी ऐसे दिखाओ हाथ दिखाओ मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है यार खाना खाने में थोड़ी देर पहले ही तो खाना खा के गए थे आप काम करके ज्यादा भूख लगती है मजा इतना आता है वो भी है और इधर देखो भाई आप भी लगा रहे टीम आज क्या टीम लगाई मैं ड्रीम 11 पे दो टीम में लगाई है जीतते तो है नहीं कभी भी मेरे को लग रहा रोज मेरा फर्स्ट टाइम लगाई सच में फर्स्ट टाइम है मेरा भगवान करे आप जीत जाए ठीक है और इनका तो फिर रहने ही दो ना रोज ही हारते कभी नहीं बट अपने पैसे वापस नहीं लेंगे वो भी है चलो मेरे को अपने ऊपर विश्वास है वो मैं ले लेते उससे वो भी नहीं आ रहा कब हम लोग अमीर बनेंगे कब अभी चाय पी लेते फिलहाल आज की रात करोड़पति की रात अभी अपने अभी और ले आते पतियों के साथ हो थोड़ा थोड़ा हमें भी दे देना ठीक है मेरे को मम्मी का पति तो बनूंगा भाई चलो देख कल फिर से ब्लॉग बनाऊंगी मैं ठीक है मोटी बेइज्जती हो गई अगर नहीं जीते हमने रात के खाने की तैयारी अभी शुरू कर दी है यहाँ पर देखो कुकर में दाल अभी बस इसको तड़का लगाने को बचा है